जय नमोस्तु। तत्त्वं शनन्द्यानन्दिमां श्येननन्दशाः परमतत्पदविन्दितं नम्योऽसि सिद्धशुभा गुरुवे गुपतिर्गुपतिज्ञानसहकार आरण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिनवरे अर्थ त्यर्थ है जो है विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर लो। देखो गुरु को धम को साक्षी को वारंवार नमस्कार। श्री भय के अपने मौल पावन ग्रंथ जी मंगलाचरण घर 24 फूलना जी। जिन जिन अति जिन ओवेनम ओवे वन्य ज्ञान रमेनम वे ज्ञान वेन्द भवेनम सोई ममल मुक्ति मेलेनम सान्यानी जिन नाथ रमन रमेनम भय क्षिपिय भव मेलेनम सान्यानी अमीय कमले कलेनम जिन रंजु सिद्धि गमेनम सान्यानी ममले अमीय भैनम सान्यानी ममले आचार्य प्रभु शत्रु शांति धारण प्रमला साहेब जी महाराज की जय। जय एक साथ मंत्र चरण करेंगे। नमः वंशिदे नमो और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान रस था। यह श्री घर 24 फूलना गाथा जी जहाँ आचार्य भगवान तारण तरण देव हम सभी भक्त जीवों को मोक्ष का सरल मार्ग दे रहे हैं और छह सरोवर पद्म सरोवर महापद्म सरोवर तेकिन सरोवर केसी सरोवर पुंडित सरोवर महापुंडित सरोवर छह सरोवर में खिलते हुए उनके अपने अपने कमल उन पे बने अपने अपने भवन उन भवनों में उनका अपना अपना वैभव और उस वैभव के बीच में रहने वाली अपनी अपनी देवियां श्री ही दीप श्री श्री दीप्ति यहाँ दीप्ति लिखी है वहाँ देवियां हैं श्री दीप्ति ही दीप्ति धृति दीप्ति देवी बुद्धि देवी लक्ष्मी देवी आदि 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 जो छह देवियां वहां निवास कर रही उनका अलौकिक अद्भुत आत्म स्वभाव की साधना पूर्ण जो आचार्य श्रीमद चिंतारण तरण देव ने रहस्य खोला है आत्म साधना का वो इस फूलना में है घर 24 फूलना में है और उस अद्भुत रहस्य को जानना उस अद्भुत रहस्य को समझना और उसे जान समझ के अपने जीवन में उतारना यही वास्तव में साधक की साधना है। एक श्रावक हो वो
यही भाव भाता है, यही भावना भाता है कि भगवंतों के द्वारा कहे हुए वचन हमें आत्मसात हों, जैसा अनुभव उन्हें हो रहा है वैसा अनुभव हम प्राप्त करें। तो गुरुदेव ने जो दीप्तियां कही हैं वास्तव में वो आत्मज्ञान की ज्योति है, और जिसके अंतर में स्वानुभूति का गर्व हो गया, अपना तीर्थ स्वभाव जिनको प्रकट हो गया, उनको ऐसी आत्मज्ञान की ज्योतियों का प्रकट होना सहज है, सरल है। यदि अपने को भी अपने आत्मा की अनुभूति हुई है, आत्मज्ञान की परिणति अपनी ओर परिणमित हो रही है, यदि अपन भी आत्म स्वरूप के सहकार में ज्ञान के सरोवर में, यदि आप और हम भी स्नान कर रहे हैं, ज्ञान सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं, यदि आप और हम भी यदि ऐसे आत्मा के अतुल्य आनंद में डूब रहे हैं, तो गुरुदेव ने जो दीप्तियां कही हैं उन्होंने नाम रख दिया श्री दीप्ति, हे दीप्ति, घृति दीप्ति, कीर्ति दीप्ति, उन्होंने बुद्धि लक्ष्मी, उन्होंने इन दीप्तियों को नामकरण कर दिया। और यदि अपन भी ऐसी आत्म शांति का और आत्म आनंद का रसपान कर रहे हैं तो वही परिणति अपने अंदर भी प्रकट होगी। अब साधक उसे साधना से नामकरण कर दे, ये उसकी विशेषता है, उसकी प्रज्ञा है, उसका आत्मबल है, लेकिन उसी का अंश वही प्रकाश वही शक्ति अपन यहाँ अनुभव कर रहे हैं, यहाँ भोग रहे हैं। और गुरुदेव ने जो अमृत वर्षाया है, गुरुदेव ने जो आनंद वर्षाया है, वो आनंद जो स्फूलना के माध्यम से आप और हम ले रहे हैं उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अतीन्द्रिय, गुरुदेव अतीन्द्रिय ज्ञान अमृत का स्पान कर रहे हैं। और देखो संसार में इंद्रिय सुख को देने वाले शायद माता पिता मिल भी जाएं, अपने पुण्य की वजह से मिलता है, लेकिन शायद पत्नी बच्चे या अपने पुण्य के वजह से ये निमित्त कोई अपने को अनुकूल मिल भी जाए, ये अपने को भौतिक सुख भी दे दे, तो भी भौतिक सुखों को देने वाले तो संयोग बहुत मिलते हैं, लेकिन जो आज तक अपन ने भोगा नहीं है आंतरिक शाश्वत सुख, अतीन्द्रिय सुख को प्रकट करने वाला कोई विशेष गुरु जीवन में कदाचित कभी कभार ही जीव के जीवन में आता है, क्योंकि यह आनंद अभूतपूर्व है, अतुल्य है, और इस आनंद का कोई और छोर नहीं। तो अपन गुरुदेव की छत्र छाया में, आचार्य श्रीमद चिंतारण देव की छत्र छाया में श्री दीप्ति को अपन ने समझा था, श्री नाम की दीप्ति सिद्ध स्वभाव की सूरत में अनंत ममल स्वभाव से मिलने रूप परिणति में सहज समुद्र की गहराई की तरह बिल्कुल शांत शुद्ध अपने अपने ही ध्रुवता के सहकार से, अपने ही पुरुषार्थ से मुक्ति श्री से मिलन कराती। कल ही नाम की दीप्ति को भी अपन ने पढ़ा था कि ये ही नाम की दीप्ति हितकार स्वभाव में अपने हृदय में स्थित जो अपना हृदयस्थ परमात्मा है, हितकारी स्वभाव है, इस हितकारी स्वभाव में रमण करा के अनंत ज्ञान स्वभाव की रमणता को प्रकट करके अनंत चतुष्टय में स्वयं स्वानुभव को दर्शाती है, स्वयं अनंत चतुष्टय में रमण करती है, ऐसी हृदय में ज्ञान स्वभाव में आचरण करने वाली चारित्र रमणता को प्रकट करने वाली ये ही दीप्ति है। दो दीप्तियों को अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था गाथा नंबर 15-16 में। अब अपन चलते हैं गाथा नंबर 17 की ओर, जहां गुरुदेव नवीन नवीन दीप्तियों की बात कर रहे हैं, उनके अंतःकरण में विशुद्ध विशुद्ध परिणतियां उमड़ रही हैं, विशुद्ध विशुद्ध परिणाम प्रकट हो रहे हैं, और उन परिणामों को आगम के सापेक्ष जो ज्ञानी होता है वो आगम के सापेक्ष उन वैराग्य जन परिणतियों को, उन ज्ञान में परिणतियों को नाम से अलंकृत कर रहे हैं वो। और क्या नाम दे रहा है वो अपनी वीतराग परिणति को? पहले उन्होंने श्री दीप्ति, श्री देवी का जब उन्होंने लोक आलोक का चिंतन करा, श्री देवी को देख के उन्होंने श्री दीप्ति नाम दिया था, ही देवी को देख के उन्होंने ही दीप्ति नाम दिया था। अब जब वो और गहरे चिंतन में आंतर ध्यान में डूबे तो उन्हीं लोकालोक का चिंतन करते हुए गुरुदेव ने घृति देवी के नाम से घृति दीप्ति और कीर्ति देवी के नाम से कीर्ति दीप्ति, इन दो दीप्तियों का वांछन गुरु महाराज ने 17 नंबर की गाथा में दिया है, और हमें प्रेरित किया है कि यदि
आपके अंदर में भी कल्याण की भावना है तो संसार नहीं दिखाई देगा, देवियां नहीं दिखाई देंगी, दीप्ति दिखाई देंगी। कितना कितना सटीक मोक्ष मार्गी जीव के लिए कितना सटीक मापदंड है, कितना सटीक मापदंड है, क्या मापदंड है? यदि वास्तव में कोई मोक्ष मार्ग का सटीक अर्थात कोई मोक्ष मार्ग का साधक है, आत्मार्थी भक्त जीव है, उसे देवियां नहीं दिखती, दीप्तियां दिखती। देवियां दिख रही हैं तो मोक्ष मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग ही नहीं, और यदि दीप्तियां दिख रही हैं तो मोक्ष मार्ग। तो गुरु महाराज मोक्ष मार्ग के प्रचंड ज्ञान, ज्ञान मार्ग के प्रचंड वेग के साथ ज्ञान मार्ग के साधक थे, इसलिए उन्हें देवियां नहीं दीप्तियां दिख रही हैं। अब इन दीप्तियों में अमृत रस का आनंद लेते हुए आचार्य गुरुदेव 17 नंबर की कारिका कह रहे हैं, जिसे अपन बहुमान पूर्वक पढ़ेंगे। और दो दीप्तियों से नवीन नवीन दो दीप्तियों से ज्ञान की दो नवीन ज्योतियां। वैसे ज्ञान में तो अनंत 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 उछाल है, अनंत अनंत उत्साह है, लेकिन उस परिणति को गुरु महाराज ने पर्टिकुलर नाम देके उसे साधना का विषय बना दिया कि भव्य जीव इसे इस रूप में साधे। तो गुरुदेव ने उन्हीं ज्ञान में सम्यक ज्ञान की परिणतियों को साधना के अंतर गहरा रहस्य में ढाल के उसे भव्य जीव को प्रदान किया है। अब अपन भी उस प्रकाश को क्षण भर के लिए अनुभव कर पाए, अपन भी गुरुदेव की उस भावना को छू पाए, या गुरुदेव के अंतर की उस साधना को अपन क्या कर पाए, नमस्कार कर पाए कि वीतरागी संतों की साधना ऐसी होती है। अपन भी उस सत्य को स्पर्श कर पाए, इस निमित्त से अपन इस फूलना की 17 नंबर कारिका को पढ़ के आत्मा का उत्साह जगाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा है, पढ़ते हैं अपन। घृति ध्रुवम ममले मेलेयम तमे लोए लोए अवेलम कीर्ति सुकृत कम गलेनम तमे क्रांति ओवने ममेलम सान्यानी ममले वैनम। एक बार अच्छे से अच्छे भाव से पढ़ो, कम से कम फूलना तो भाव से पढ़ो। घृति ध्रुवम ममले मेलेयम तमे लोए लोए अवेलम कीर्ति सुकृते कामे गलेनम तमे क्रांति ओवने ममेलम सान्यानि ममलेयमिये वैनम सान्यानि ममलेयमिये वैनम। ज्ञानी ममल अमि वैनम, भगवान के इस अमृत में वचनों को ग्रहण करके अपने ममल स्वभाव में रहो। ये तो गुरु माया ने अच्छी देके कह दिया, ज्ञानी तुम्हारा काम तो यही है कि अपने ज्ञान में अमृत परिणति में सिद्ध स्वभाव में रंजायमान रहो, भय छोड़ो, जिन्नाथ स्वभाव में अमृत स्वभाव में आत्म ध्यान लगा के ज्ञान की साधना करो। ये तो अच्छी है, यदि अच्छी अपने जीवन में आ जाए तो ये दीप्तियां, ये सरोवर, ये कमल, ये रत्नों के वैभव, ये सब अपने जीवन में अपने आप आ जाएंगे। अच्छी आ गई तो आपके जीवन में हमारे जीवन में पूरा वैभव आ जाए। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा गुरुदेव ने। गुरु महाराज कह रहे हैं घृति ध्रुवम ममल मिलियम, क्या हो गया गुरु महाराज, कह लगे घृति नाम की दीप्ति उत्पन्न हो गई। कहले अच्छा गुरु महाराज घृति नाम की दीप्ति आ गई, कहले हाँ घृति नाम की दीप्ति प्रकट हो गई है, सामने दिखाई दे रही है। कहले गुरु महाराज ये घृति नाम की दीप्ति कर क्या रही है तो बताओ। देखो तो देखो तो देखो तो ये घृति नाम की दीप्ति ध्रुवम आहा कहने लगे क्या कर रही है, कहले ये घृति नाम की दीप्ति ध्रुवम अपने शाश्वत स्वरूप को अपने जो अनादि काल से अनंत काल से जिसे आप ममले ममल स्वभाव कह रहे हो, जिसे आप कह रहे हो अजर है अविनाशी है ध्रुव है शाश्वत है
त्रिकाल है, धोग सत्ता है, जिसको आप नाना प्रकार से पुकार रहे हो, जैसे आप कह रहे हो पारनामिक भाव स्वरूप है, जिसे आप कह रहे हो जन्म मरण के भेद से परे है, जिसे आप कह रहे हो सिद्ध है, जिसकी सत्ता को, जिसके अस्तित्व को आप स्वीकार करके ये मानते हो कि सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, जिसके अस्तित्व को आप स्वीकार करते हो, उसकी बात कर रहे हैं गुरु महाराज। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, देखो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो अच्छे ध्यान से। घृति ध्रुवम मामले मेलेयम, देखो घृति नाम की रीति अंतर में ग्रहण हो गई है। कहना क्या हो रहा है, क्या हो रहा है गुरुदेव, कहना अपना शाश्वत अविनाशी त्रिकालदर्शी जो अनादि अनंत काल से शुद्ध है, मुक्त है, ममले ममल स्वभाव वाला है, कहना घृति नाम की दीप्ति का प्रकाश हो गया है और अपना शाश्वत ध्रुव अविनाशी ममले ममल स्वभाव आक्रमणता में मिल गया है। कहना अब तो अपने अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव से मिलन हो रहा है। घृति नाम की प्यारी सखी परिणति आई और आई और कहां गई, कहना अपने शाश्वत ममल ध्रुव स्वभाव से मिलन करने चली गई। कहना क्या आई, क्या आई, क्या आई, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कहना घृति नाम की दीप्ति आई। कहना क्या कर, किससे मिलने आई, किससे मिलने आई, किससे मिलने आई, कहना अपने शाश्वत ध्रुव ममल स्वभाव से मिलने आई। कहना मिल गई उससे। कहना अच्छा, कहना ऐसी भी देवियां होती हैं। कहना हाँ, देखो जब भगवान गर्भ में आते हैं तब भगवान से मिलन करने की चाह में 15 माह तक माता की सेवा में वो देवियां लगी रहती हैं। भगवान से मिलेंगे, भगवान के अमृत वचन मिलेंगे, भगवान की दिव्य ध्वनि मिलेगी, दिव्य ध्वनि तो समुचरण में मिलेगी, लेकिन अभी भी भगवान के ज्ञान का प्रकाश मिलेगा, भगवान के ज्ञान का प्रताप मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद भगवान के वचनों से अमृत झरेगा, अमृत। गर्भ में बैठा हुआ बालक भी अतिशयकारी रत्नत्रय का उपदेश देगा, वो देवियां लोभा के आ जाती हैं, किसान इंद्र और सोधर्म इंद्र की आज्ञा से भाग के आती हैं तत्काल माता की सेवा। देखो तो, देखो तो, देखो तो, वहां माँ की सेवा में जब वो आती हैं तो वो शाश्वत पद के धारी तीन लोक के नाथ जिनेन्द्र परमात्मा की सेवा में उपस्थित होती है, क्योंकि उनसे ज्यादा वैभव किसी का नहीं, तो उन वो सबसे ज्यादा वैभवशाली, सबसे ऊंचे पद के धारी, शाश्वत पद को प्राप्त करने वाले वह ऐसे तीर्थंकर देव की इस जन्म के 6 माह से लेके जन्म के 9 माह गर्भकाल पूरे 15 माह तक पूरे समय उनकी सेवा में डटी रहती। क्यों क्यों क्यों, भगवान से मिलन होगा, जगत के तारणहार जन्मेंगे, देव ध्वनि सुनने भी जाएंगे, भगवान की अमृत वाणी का रहस्य जानेंगे, कितना बहुमान होता होगा उनके अंदर। किससे मिलने वाले हैं, केवल जगत के तारणहार जिनेन्द्र के जो तीन लोक के नायक होंगे उन जिनेन्द्र की सेवा में, अभी बाल जिनेन्द्र हैं, अभी गर्भ अवस्था में है, अभी जिनेन्द्र पद को प्राप्त नहीं हुए, लेकिन उन बाल तीर्थंकर अभी जन्म भी नहीं हुआ, अभी के लगे जन्म के पहले ही उनका इतना बहुमान कि के लगे उनकी सेवा में रहेंगे, जगत के तारणहार की शाश्वत पदधारी की सेवा में रहेंगे। देखो तो उन देवियों को इतना बहुमान होता है, किसका, बाहर के सर्व परमात्मा के वैभव का, उनकी निधि का, उन्हें इतना बहुमान होता है। अब देखो तो, लेकिन तारण तारण देव कहते हैं हमारे गुरु महाराज ऐसे निराले संत थे कि उन्हें सर्वक परमात्मा में जिनेन्द्र भगवंतों में भी कहने लगे एक अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। इसलिए उन्होंने कहा जिनवर स्वामी तू बड़ो, हे परमात्मा आप बड़े हैं, पूजनीय है, आदरणीय है, मैं जिनवर हूँ सो भलो, लेकिन मैं अपने में स्वयं अपने स्वपद कसधारी हूँ, आपके वैभव से मेरा कुछ काम होने वाला नहीं है, आप आनंद में हैं, मैं आनंद स्वरूप हूँ, आप और मैं एक समान हूँ। ऐसा कहने वाले हमारे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, घृति नाम की दीप्ति उनके अंतर में आ गई, और जैसे ही अद्भुत दीप्ति, जैसे ही सम्यक ज्ञान की अद्भुत ज्योति उनके अंतर में आई, तो लोग पूछने लगे गुरुदेव से, वो फूल है ना कर्ण कमल हसी पूछन लागे, जन काहे अकुलान,
तो यहाँ लोग पूछने लगे कि हम संसारी जीव आकुलता में है, परेशान हो रहे हैं, गुरुदेव बहुत व्याधि में है, बहुत पीड़ा में है, आप आनंद में क्यों है? तो गुरुदेव कहने लगे कि हमें गति नाम की देवी नहीं दीप्ति प्रकट हो गई, तो हम आनंद में है। कहले गुरुदेव आपका आनंद बढ़ता हुआ क्यों है, निरंतर बढ़ता हुआ क्यों है? कहले सुनो, धृति ध्रुवम है मामले मेलेयम। कहले सम्यक ज्ञान की चैतन्य ज्योति धृति नाम की ज्ञान दीप्ति के ना अंतर हृदय में प्रकट हो गई है, अंतर स्वानुभूति में सर्वांग प्रकाशमान हो रही है। और क्या हो रहा है गुरु महाराज? ध्रुवम ममल मिलियम, अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव जो ममले ममल है, इस ममल स्वभाव से ज्ञान परिणति का मिलन हो रहा है कि ना हम अपने शाश्वत स्वभाव से मिल रहे हैं, इसलिए हम आनंद में हैं। और कहने लगे गुरु महाराज हम दुखी क्यों हैं? कहने आप संसारी विषय भोग क्षणभंगुर पदार्थों के पीछे भाग रहे हो इसलिए दुखी हो। आई कि नहीं है समझ में? गुरु महाराज आप सुखी क्यों हो? कहना धृति ध्रुवम ममले मेलेयम। कहने लगे हमें धृति नाम की दीप्ति सम्यक ज्ञान की वो अभूतपूर्व ज्योति क्या कर रही है? कहने अपने शाश्वत स्वभाव ममले ममल स्वभाव में मिलन कर रही है, उसमें रम रही है, उसमें जम रही है, उसका आनंद ले रही है, इसलिए हम सुखी हैं। कहले गुरुमाज हम दुखी काय को है? कहले भैया तुम्हें घर पुत्र परिवार मकान दुकान लाड़ी गाड़ी बंगला राग देश कसाय वो विषय वासना तुम्हें क्षणभंगुर पदार्थों के अलावा कछु दिखाई दे नहीं रहा, इसलिए तुम दुखी। आगे समय में सुख दुख का रहस्य, गुरु महाराज सुखी क्यों? सुखी क्योंकि शाश्वत स्वभाव से मिल रहा है। और आप और हम दुखी क्यों? दुखी क्योंकि क्षणभंगुर संसार की माया से हमारा आकर्षण नहीं टूट रहा, इसलिए है वप्य आत्मा यदि सुखी होना है तो अपने ध्रुव त्रिकाली स्वभाव को देखो, ध्रुव त्रिकाली स्वभाव को देखो, बिना आत्म स्वभाव को देखे सुखी नहीं हो सकते। सुन रहे कि नहीं नितिशा दीदी? बाहर के अचेतन जड़ को क्षणभंगुर पदार्थों को देख के तीन काल में सुखी नहीं हो पाओगे। ये सुखी होना है तो गुरु महाराज की बात मानो। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज कि बाहर के अचेतन पदार्थों में परमात्मा नहीं, कहाँ है? धृति ध्रुवम ममले मेलेयम। कहाँ है? कहने लगे अपना ध्रुव ममले ममल स्वभाव सम्यक ज्ञान की धृति नाम की दीप्ति से स्वयं स्वानुभूति में मिल गया है। कहने लगे यहाँ आनंद है। कहने कैसा आनंद है? कहना अपूर्व अनंत आनंद है। कहना यहाँ शांति है, यहाँ आनंद है, यहाँ सुख है। कहले बाहर कहीं सुख है क्या? मंदिरों में सुख है क्या? कहले के शांति है क्या? कहले नहीं, बाहर जो सुख और शांति है वो झूठी है। अंतर में जो अपना ध्रुव ज्ञायक स्वभाव के दर्शन से, अपने ज्ञायक स्वभाव के मिलन से जो सुख और शांति प्रकट होगी वो शाश्वत है और अनंत काल के लिए। तो गुरुमाज के अंतर में एक धृति नाम की दीप्ति स्वयं ध्रुव स्वभाव से ममल स्वभाव से मिलन करा रही है। गुरु महाराज इसे शाश्वत स्वभाव से मिल रहे हो आप, तो क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या झलक रहा है, कैसा आनंद ले रहे हो? तो कह रहे हैं तमे लोए लोए अवेलम। क्या हो गया? क्या हो गया? कहले अरे सुनो, अरे लोका लोक लोय लोय, ये संपूर्ण जो लोका लोक आपको दिखाई दे रहा है अवलम, कहले इसको आंवले की तरह झलकाने वाला पानी में, जैसे पानी में मुख दिखाई देता है, जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, पूर्ण चेहरा दिखाई देता ना, वैसे ही ये धृति नाम की दीप्ति अपने शाश्वत स्वभाव से मिलन कर रही है। और क्या दिखाई दे रहा है? तब लोए अवेलम, लोका लोक को
अपनी क्रांति से लोकालोक को अपनी चैतन्य ज्योति से प्रकाशित करने वाला, केवल ज्ञान का प्रकाश अंतर में दिखाई दे रहा है। सर्व लोकालोक के सारे पदार्थ एक क्षण में जानने में आ रहे हैं कि ना अंतर में इस घटि नाम की रीति में लोकालोक का स्वरूप झलक रहा है, स्पष्ट वस्तु का स्वभाव झलक रहा है। सारे द्रव, सारे गुण, सारी पर्याय जगत का त्रिकालवर्ती परिणाम, कौन से द्रव का क्या स्वभाव है, ऐसी सम्यक ज्ञान की दीप्ति में झलक रहा है। केवल ज्ञान स्वभाव स्वानुभव में प्रकट हो रहा है, जिसमें संपूर्ण लोकालोक, संपूर्ण विश्व झलकने वाला, ऐसा अभूतपूर्व आनंद प्रकट हो गया है। केला गुरुमाच कहाँ प्रकट हो गया है, केले लगे जहाँ हृदय में, हृदय। अब कहो गुरु महाराज से, कहो अब पता लगा गुरु महाराज कि आपके इतने लाखों के केले 43,43,331 इतने शिष्य कैसे बन गए, कि आपके अंतर में लहराते हुए ज्ञान समुद्र को जब आप इन भव्य जीवों ने देखा तो सबने सोचा कि जब हमारे गुरुदेव इतने सुखी हैं, जब ये तारणहार इतने सुखी है, जब ये इस ज्ञान के समुद्र में गोते लगा के इतना आनंद ले रहे हैं, तो उनको भी ये समुद्र, ये ज्ञान दीपक देख के, ये ज्ञान की लहलाती हुई शक्ति को देख के उन सब जीव के अंदर भी भाव प्रकट हो गए, हम भी इस ज्ञान गंगा में गोते लगाएंगे। इसलिए आपके पीछे पीछे इतना बड़ा मजमा, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। इतनी बड़ी भीड़ का इकट्ठा होना ये क्यों हुआ? इतनी बड़ी भीड़ का इकट्ठा होना क्यों हुआ? तो इसीलिए हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंतर में जो ये ज्ञान की दीप्तियां जगमगा रही थी ना, आप जो अतीन्द्रिय सुख से मिलन कर रहे थे ना, आप जो अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव में अतीन्द्रिय आनंद में रमण कर रहे थे ना, संसारी जीवों ने देखा कि देखो तो ये पंचम काल में सर्व सुखी जीव कैसे पैदा हो गया, इस जीव के पास इतना सुख क्यों? जिसने भी आपके सुख को देखा वो आपका हो गया। बता भैया अपने कौन सी वाली मिल गई, घी मिली कि श्री मिली कि घृती मिली, कौन सी मिली? चलिए बताओ, कीर्ति के नाम, कीर्ति नाम की दीप्ति के पास चलना है फिर अपने, चलिए बताओ कौन सी वाली मिली। संजय जी कोई नहीं बोले तो आप ही बोल दिया करो, कुछ नहीं, आप तो अटेंडेंस में हो, आपके बिना वांछन होना भी संभव नहीं है, और आप भी बोलो कुछ, कौन सी वाली मिल गई? विचार चल रहा है कौन सी मिली। अच्छा मिली नहीं अभी, एक भी नहीं मिली, ऐसा मत करो जी। तो देखो भैया, घृति नाम की दीप्ति तो बहुत अद्भुत है, वो अपने कोमल शब्द बढ़ती हुई साधना है। है तो लवालब भरा हुआ ज्ञान समुद्र, ये चेतन आत्मा बस प्रकट किसके हो जाए। देखो 15 नंबर की तालिका में ठीक है, डटे रहो, गुरु महाराज की गाथा ने 15 नंबर में देखो एक बार शुरू से वांछन करते हैं। शैली जी आप पेज मत पलटना, हम अपने से शुरू से वांछन करते हैं। देखो गुरुदेव ने अपने निर्विकल पद से मिलन को पद्म सरोवर कहा था, महा सम्यक ज्ञान के सूर्य को हितकार स्वभाव में रमणता को मुक्ति श्री से मिलन को महापद्म सरोवर कहा, ती अर्थ में रत्नत्रय में आचरण को त्रिगिंग सरोवर कहा था, सम्यक चारित्र की दशा को। केवल ज्ञान स्वभाव की कली कली खिल जाए, हृदय कंठ में ही अपना ध्रुव स्वभाव में रहना हो जाए, इसको उन्होंने केशरी सरोवर कहा था। अपने अंतर में कर्म से रहित विशुद्ध शुद्ध उपयोग प्रकट हो जाए, धर्म की धुरा वीतराग कर प्रकट हो जाए, गहरा भाव प्रकट हो जाए, इसे पुंडिक सरोवर कहा था। और
कहने लगे कि यहाँ अनंत गंभीर सर्वज्ञ सर्वज्ञ स्वरूप अपना अपने हृदय में अपने ही मोक्ष मार्ग का उत्साह आ जाए, अपने ही मोक्ष मार्ग की सुरत आ जाए, चारों आराधनाओं में आचरण होने लगे। इसे महापुंडरिक पारिणामिक भाव को महापुंडरिक सरोवर कहा था। और इस इन सरोवरों में जो कमल खिल रहे हैं उनके लिए उन्होंने क्या कहा था कि सरोवर सुकमल उपलब्ध, कि ना इन ज्ञान सरोवरों में ज्ञायक भाव के कमल स्वयं उत्पन्न हो रहा है। और अनंत सिद्धि में गुप्त स्वभाव में गर्भगृह में उत्पन्न होने वाला ये तिथियार भाव प्रकट हो गया। अनंत चतुष्टय में कहा लक्ष्य रूप परिणाम प्रकट हो गए। और क्या कहा था उन्होंने, इन कमलों पे जो भवन है उन पे षट दीप्तियां हैं और उन षट दीप्तियों के पास रत्नत्रय का वैभव है। ऐसा गुरु महाराज ने अपना स्वस्थान उन्हें मिल गया, आत्मरमणता के लिए सदुपयोग मिल गया। और उसके कारण से श्री दीप्ति स्वयं अपनी अनंत सिद्धियों की सूरत में उत्पन्न हुई, शांत अपने मुक्त स्वभाव में रमण करती हुई अनंत अनंत विशुद्ध परिणाम में ये श्री दीप्ति उत्पन्न हुई। ये दीप्ति अपने हितकार भाव के रूप में अनंत ज्ञान की रमणता में सम्यक चारित्र के सहकार सहानुभूति में ये ही दीप्ति उत्पन्न हुई। अब देखो भैया आगे बढ़ते बढ़ते तारंतरण देव कहने लगे, अब तो देखो तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र सबके भेद से रहित घृति दीप्ति अपने ध्रुव ममल स्वभाव से मिलन करने रूप लोकालोक को अवलोकित करने वाले केवल ज्ञान के सहानुभव रूप घृति दीप्ति में उत्पन्न हो गई। अब और कितना गहरा लेके जाओगे आप आत्मा में, और कितना गहरा लेके जाओगे। कहले रुको, अभी तो तीन दीप्तियां और है, क्रांति सुकृत कम गलेनम तमे क्रांति होवने ममेलम। कहले क्या हुआ। कहले देखो तो कीर्ति सुकृत, क्या हुआ। कहने लगे हमारा सुकृत, अपन भारत के सुकृत का हेतु मतलब हमारे हित का हेतु, कहने लगे हमारे लिए जो स्व अनुभव भाव गम है, सुकृत मतलब जो स्वयं से अपने आप में परिपूर्ण है, ध्रुव है, त्रिकाली है, जिसको बनाना नहीं है, जिसका निर्माण नहीं करना, जो बना बनाया अपना वितराग स्वभाव है, कहे कीर्ति नाम की सुकृत शक्ति प्रकट हो गई है। क्या 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 प्रकट हो गया है, कीर्ति नाम की दीप्ति स्व में अपने अंतर में ही स्व में जो चेतना है जिसे उन्होंने ऊपर ध्रुव कहा था, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला कहा था, केले वो सुकृत वो स्वयं बना बनाया जिसे अपन अपनी भाषा में रेडीमेड कहते हैं, जो बना बनाया अपना वितराग ध्रुव स्वभाव है, जो स्वयं से ही जानता है, स्वयं से ही देखता है, स्वयं से ही प्रकाशवान शक्ति का धारी है। केले के ऐसा सुकृत स्वभाव अंतर में कीर्ति दीप्ति की रमणता में उत्पन्न हो रहा है। केले से क्या हो रहा है, इस सुकृत स्वभाव रूप कीर्ति दीप्ति के उत्पन्न होने से काम में गलेनम, देखो तो ये स्वयं ही सहज ही ये सारे घातिया घातिया काम गल रहे हैं। क्या हुआ, आत्मा की कीर्ति प्रकट हो गई। क्या प्रकट हो गई, कहना आत्म तत्व की कीर्ति प्रकट हो गई, काय की कीर्ति, कहना कीर्ति नाम की दीप्ति प्रकट हुई। क्या कर रही है ये सुकृत, क्या कर रही है, कहना ये आत्मा का हित, सुकृत मतलब आत्मा को जो आत्मा का स्वयं सुख स्वभाव कहो, आत्मा का स्वयं ज्ञाता दृष्ट स्वभाव कहो, आत्मा का स्व से संचालित होने वाला स्वभाव जिसमें पर की कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा कीर्ति दीप्ति के प्रताप से अपना सुकृत भाव प्रकट हो गया है। इससे क्या हो रहा है, अपना ऐसा शुद्ध भाव प्रकट होने से काम में गलेनम, द्रवकर भावकर नौकर सारे कर्म गल रहे हैं। गुरुमाज क्या हुआ, ताम में क्रांति, देखो अंतर हृदय में शुद्ध आत्म स्वभाव में आचरण की क्रांति प्रकट हो गई है।
तामे शांति ओवने ममेलम। केना काय की क्रांति उत्पन्न हुई? केना ममल स्वभाव में आचरण करने की क्रांति, ममल स्वभाव में आचरण कराने वाले सम्यक ज्ञान की क्रांति उत्पन्न हो गई है। देखो तो ये कीर्ति नाम की दीप्ति अपने स्वकृत स्वभाव में स्वयं भ्रमण करते हुए अनंत अनंत कर्मों का नाश कर रही है और तीनों लोकालोक को प्रकाशित करने वाले अपने ममल स्वभाव में आचरण की क्रांति जाग गई है। केला कीर्ति नाम की अद्भुत दीप्ति प्रकट हो गई आत्मरमणता के सहकार में। केले इस दीप्ति का प्रताप फट रहा है, इसका प्रकाश हो रहा है। गुरु महाराज कहा केला देखो देखो श्री दीप्ति गति दीप्ति कीर्ति दीप्ति स्वयं अपने अंतर हृदय में प्रकाशित हो रही। कहां ढूंढ रहा है संसार में जीवात्मा? ये लड़कियां नहीं है जो बाजार में मिलेंगी, ये देवियां नहीं है जो संसार में मिलेंगी स्वर्गों में मिलेंगी, ये दीप्तियां हैं जो तुम्हारे अंतर में मिलेंगी। क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? धृति ध्रुवम ममल मिलियम। अरे ये धृति दीप्ति है जो अपने शाश्वत ममल स्वभाव से मिलन कराने वाली, लोकालोक में प्रकाशवान केवल ज्ञान की स्वानुभूति को प्रकट करने वाली, ये कीर्ति नाम की दीप्ति है सुकृत जो आत्मा का स्वस्वरूप है, स्वयं से स्वयं प्रकाशित होने वाली जो ध्रुव चेतना है। केले ये उसका प्रकाश है, इसके प्रकट होने से कम गल्लम कम तो छे होंगे ही और क्या होगा, अपने ममल स्वभाव में आचरण की क्रांति प्रकट हो जाएगी। और जहां निर्दोष निर्विकल्प निर्विकार सब कर्मलों से रहित जहां ममल स्वभाव में आचरण करने की क्रांति जागेगी। सन्यानी ममले अमी वैनम, महाज्ञानी इन ममल भगवान के अमृत वचनों में रमण करता हुआ सहज इन दीप्तियों से अपने सुख स्वरूप का सुख सत्ता चेतन बोध इस आत्म अतीन्द्रिय आनंद का भोग करता हुआ वह जीव वो ही ज्ञानी अमृत रसायन के रस में रमण करते हुए मुक्ति को प्राप्त करेगा। कौन? ये आपका निर्णय बहुत अच्छा है, ये निश्चय बहुत अच्छा है, लेकिन अब वो आनंद जो यहाँ प्रकट है उस भूमिका तक जा चारित्र रमणता के मिलेगा, ये तो सही। अभी मिलेगा चारित्र बढ़िया है, जितना स्वीकार हो जाए इस भाव में, जितना जीव इस आनंद को स्पर्श कर पाए इस भाव में, जितनी भगवान की वाणी अरे ये आप क्या है, आप कहाँ फेल होते हो? ये आप बुद्धि पे फेल होते हो। क्या है आप, ये है बुद्धि के निर्णय को सर्वस्व मान लेते हो। स्वीकारता का मतलब ये होता है कि उपयोग उसे पूर्णतः स्वीकार करके शुद्ध उपयोग रूप परिणमित हो जाए। स्वीकारता मतलब जब तक आप अंतर मुहूर्त उस पूर्ण वितराग तत्व को स्वीकार करके केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते तब तक स्वीकारता होती है। ये बुद्धि है, इसी को द्वंद कहते हैं। अरे इसी को द्वंद कहते हैं। ये आप बुद्धि से हटके कभी विचार तो करो। आपने ये निर्णय करा कि मैं केवल ज्ञान की पर्याय से ही बड़ा हूं, लेकिन हर एक साधक तब तक साधना कर रहा है जब तक उसकी केवल ज्ञान में शक्ति प्रकट नहीं हुई। केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है।
केवल ज्ञान अपने ज्ञान की पूर्ण जब आपने ध्रुव का लक्ष्य बना लिया है कि मैं ध्रुवी हूं और ये सारी पर्याय आएंगी, तो जब स्वीकार करने की बात चल रही है तो आपका लक्ष्य ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं स्वीकार भी नहीं करना? वो ये क्यों नहीं कह रहा कि अरे सही है, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी स्वीकार करो, संसार में ज्यादा नहीं रहना, ऐसा कहना चाहिए ना। बुद्धि उस तत्व को काज बुद्धि उस सत्य को काट क्यों रही है? बुद्धि उस सत्य को नहीं नहीं आपका चल रहा है उसमें कोई मनाही नहीं कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे आपका पुरुषार्थ नहीं चल रहा, हम ये कह रहे हैं उस पुरुषार्थ में जो समर्पण और जो श्रद्धान का ज्यादा तेज गति से होना चाहिए, वहां निर्णय का और क्या कहते हैं बुद्धि का ज्यादा रोल चल रहा है। वहां आपको समर्पणता का और आनंद का जो भाव उत्पन्न होना चाहिए कि आहा, कि देखो देखो यहाँ क्या दशा बननी चाहिए थी, यहाँ ये बात सुन के स्वीकारता की बात सुन के परिणति गुप्त हो जानी चाहिए थी, तर्क नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो तर्क आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि वहां बुद्धि चिल्ला रही है कि नहीं मैं तो हूं मैं तो हूं, उससे कहो ना तू है तो अंदर जाना, तू चिल्ला काहे कर रहा वहां, तो उससे कहो जब तू त्रिकाली है, जब तू ध्रुव है, जब तू चिल्ला के दहाड़ मार मार के कह रहा कि आम ब्रह्मास्म सिद्ध आम, केवल ज्ञान की पर्याय भी एक समय की है, सिद्ध पर्याय भी एक समय की है, मैं तो त्रिकाल ध्रुव निरावरण चैतन्यमय वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ, जब तू इतनी बड़ी बात कह रहा है तो पागल बना है क्या? किससे कह रहा है? ये पागल है जो चिल्ला रहा है बाहर प्रवचन सुना रहा है, तो पागल है तू, तो अंतर जाना, तुझे इससे क्या लेना देना, तू तो क्या कर क्रांति सुकृत काम गलेनम, इस क्रांति नाम की दृष्टि से सुकृत अपने स्वकृत चेतन में उपयोग में शुद्ध उपयोग में रमण कर, कम गलनम देख तेरी शुद्ध भाव से सारे कर्म गल जाएंगे, तम में क्रांति ओवने ममेलम, और आत्मा की वो तेज वो क्रांति ध्रुव स्वभाव में आचरण की वो क्रांति प्रकट होगी, ममले ओवेनम, जो अपने ममल ध्रुव केवल ज्ञान में सिद्ध पद को प्रकट कर देगी। यही तो तेरा अपना स्वभाव है, यही तो तेरी परिणति का लक्ष्य है अपना ध्रुव त्रिकाली शुद्ध आत्मा, वो सर्वांग में प्रकट हो जाएगा और अशरीर सिद्ध दशा सहज प्रकट होगी। अब तू कहां ये छोटे मोटे लोगों से तर्क कर रहा है, अंतर रमण कर और निर्वाण पद को प्राप्त कर, तेरा मार्ग तो बना बनाया। तो यहाँ बात ये चल रही है कि गुरुदेव इन दीप्तियों के माध्यम से अपने ममले ममल वीतराग ध्रुव स्वभाव में केली कर रहे, और जहां ऐसी अद्भुत अद्भुत श्री दीप्ति ही दीप्ति घृति दीप्ति कीर्ति दीप्ति ऐसी जहां चारित्र रमणता रूप सम्यक ज्ञान की परिणतियां जगमगाती, जहां ज्ञान का अतः आनंद और उत्साह जब ऐसी आत्म रमणता में जागता है, तब यहाँ ये गुरु महाराज कहते हैं जीवात्मा अब बहुत देर हो गई, अब तो ध्रुव को मान लिया, अब तो ध्रुव को जान लिया, अब तो ध्रुव को स्वीकार कर लिया, अब तो पूरी ताकत लगा दो, पूरी शक्ति झोंक दो, कहाँ झोंक दो, अपने ध्रुव स्वभाव के आचरण में उसमें रमणता में पूरी शक्ति झोंक दो, कर्मों को तो नष्ट होना ही पड़ेगा, वो कब तक रहेंगे, उनकी तो सत्ता विनाशिक है क्षणभंगुर है, संयोगों में तो विकार भाव को मिटना ही पड़ेगा, कब तक रहेंगे, इनका अस्तित्व तो शून्य है। कहेंगे मैं सुकृत स्वभाव वाला हूं, जहां मेरा प्रकाश है वहां दुनिया में कोई गिनती नहीं होती, जहां मेरी सत्ता है, जहां मेरी सत्ता है शक्ति है, वहां किसी और के अस्तित्व को अंगीकार नहीं किया जाता, यहाँ जहां मेरा अस्तित्व है मैं ध्रुव त्रिकाली, ध्रुव मैंने कहा ना घृति ध्रुवम ममले मेलेयम, जब घृति नाम की दीप्ति अपने स्वभाव से मिलन करती है तब किसको क्या देखोगे, अब तो कहाँ देखोगे किसको सुनोगे, तमेलोए लोए आवेलम,
अब तो लोकालोक को प्रकाशित करने वाली ज्ञान परिणति वीतराग परिणति प्रकट हो गई है। कहना अब कहाँ देखोगे, कहना कुछ दिखाई नहीं देता। जब ऐसी अंतर ज्ञान दीप्तियां साधक के अंतर में प्रकट होती हैं, तो कहने लगे ऑटोमेटिकली कुछ और दिखाई देता ही नहीं है। ऐसा अद्भुत, ऐसा अभूतपूर्व, ऐसा अविस्मरणीय ये आत्मा का त्रकाल स्वभाव है, दीप्तियों का स्वभाव है। जो अंतर गया उसे बाहर क्या हो रहा पता ही नहीं, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुना रहा है, कौन क्या बोल रहा है। लेकिन सब संसार की माया, ये चर्चा भी माया ही है। बस एक बार जीव की लगन समर्पण अंतर हृदय की स्वीकारता ओरिजिनल स्वभाव की ओर जाए, निर्फल सत्य की ओर जाए, ये दीप्ति दीप्ति चारित्र का विषय है। और अभी इस भूमिका में ये दशा प्राप्त करना संभव नहीं है। दशा त्रकाली तो अपने अंदर, ये दशा प्राप्त करना संभव नहीं है। बस बात ये है कि इसका आनंद ले सकते हैं अपन। कैसे आनंद ले सकते हैं कि जब अपन इस दीप्ति की चर्चा सुनेंगे तो अपना जो चारित्र मोहिनी कसाय शुभ कसाई की जो पकड़ या बुद्धि की जो पकड़ हो गई, या फिर अपने को जो राग की पकड़ हो गई स्वाध्याय के राग की, छह उपशम की, या फिर अपने को व्रतों की क्रियाओं की जो पकड़ हो गई ना, वो राग से हटके अपन इन फूलनाओं की वांछना सुन के अपन गुरु महाराज के इन शब्दों से उस कसाई की मंदता पूर्वक, चाहे शुभ कसाई का राग हो, चाहे अशुभ कसाय का राग हो, चाहे छह उपशम हो, किसी का भी, उस राग से हटके इसको मात हल्का से स्पर्श कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अपनी भावना में ये आ जाएगा, ये जीव की अनुबोधना तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अब इन कसायों का राग छूटने से, शुभ अशुभ राग छूटने से क्या होगा, आपके जीवन में वो भावना आ जाएगी कि वास्तव में ज्ञानी साधु की दशा तो ये है अद्भुत। जब हम साधु होंगे तब से दशा प्रकट होगी। जिस समय जीव श्रद्धा से अपने त्रकाली को अनुभव करता है, उस समय ज्ञान भी उसका सम्यक है, उसका चारित्र भी सम्यकता चरण है। लेकिन सम्यकता चरण चारित्र के साथ साथ यहाँ ज्ञान दीप्ति के जिस रमणता की बात चल रही है, वो विशेष चारित्र की और विशेष निर्मलता की बात चल रही है। जो हम आपकी बात को काट नहीं रहे, हम आपकी बात को बिल्कुल नहीं काट रहा है, क्योंकि हमें पता है इस भूमिका में जो अपनी आवृत श्रावक की भूमिका है, और साथ में त्रि पर्याय की भूमिका है, और पंचम काल की जो दशा है, क्योंकि ध्रुव त्रकाल इन सबसे पार है ध्रुव त्रकाल। लेकिन क्योंकि पर्यायगत योग्यता देश काल भाव अनुरूप ही प्रकट होती, तो इस भूमिका में अपने को जितना श्रद्धान और सहकार प्रकट हो सकता है उसका पुरजोर पुरुषार्थ अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। इस अपेक्षा से आपका काम सही है। और उदय भैया जो बोले वो चारित्र अपेक्षा से बोले, और चारित्र अपेक्षा से वो जो बोले कि चारित्र की अपेक्षा से वो विशुद्धि नहीं है, तो नहीं, सुनो, वो चारित्र बोले बाहर का नहीं, सुनो पहले, वो जो चारित्र बोले तीन चौकड़ी के अभाव पूर्वक या दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो चारित्र होता है आत्म चारित्र, उसकी बात करी उन्होंने, बाहर की बात नहीं करी। तो दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो पंचम गुण स्थान का चारित्र होता है, या तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक जो साधु दशा का चारित्र होता है, उस चारित्र की बात करी है। तो उस चारित्र की ओर अग्रसर होने की भावना प्रबल हो, इन गाथाओं को सुन के, ज्ञान की इस रमणता को जान के,
उन दो चौकड़ी जो अभी अपने पास अनंतर मंदी गई तो एक चौकड़ी का अभाव है, अब अपनी भावना उछले, दो चौकड़ी के अभाव पूर्वक और तीन चौकड़ी के अभाव पूर्वक अपने इस बीत रास्ता को भोगे, इस निमित्त से ये फूलना है। बाहर के चारित्र की बात होगी, जब अंतर का आएगा तो बाहर का स्वयं आता है, लेना नहीं पड़ता। तो अपन दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक अभी अपन इस भूमिका में स्त्री पर्याय में पंचम गुण स्थान तो हो ही सकता है, इजीली हो सकता है। तो जो आनंद आप अभी एक चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक लेने का अभ्यास कर रहे हैं, वो अपन दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक लेके और आनंद को वृद्धिगत करें, इसलिए ये फूलनाओं का आनंद है। तो यहाँ हाँ वो तो होगा, ये बात तो 100% पक्की है, जिसने भी एक बार अपने हृदय गर्भ में इस सहानुभूति को प्राप्त कर लिया, जिसके अंतर में एक बार भी तत् का बुद्धि पूर्वक भी निर्णय हो गया, एक सही निर्णय हुआ है, तो निश्चय सही हुआ है, तो उसके जीवन में केवल ज्ञान का प्रकाश तो होगा, ये तो जिनवाणी का सिद्धांत। लेकिन बस साधना की अपेक्षा से आगे बढ़ने की बात होती है, और हर व्यक्ति की शैली अलग है, हर व्यक्ति का क्या बोलते हैं पुरुषार्थ अलग है, हर व्यक्ति कर्म अलग है, हर व्यक्ति की भावना अलग है। इसलिए जो मार्ग पे आप चलते हो उस पे उदय भैया चल पाए ये मुश्किल है, जिस पे जो उदय भैया का है उस पे आप चल पाओ ये मुश्किल है, और जिस रास्ते से हम चलते हैं उस पे आप लोग सब चल पाओ ये मुश्किल है, क्योंकि हर जीव की कर्मधाराएं अलग है, हर जीव की भावदशाएं अलग है, हर जीव के अपने अपने कर्मोदय संयोग है, उन कर्मोदय के संयोग के बीच में सबका काम एक ही है कि हर संयोगों से परे होके अपने ध्रुव को अपने अपने प्रयोगों से, सबके प्रयोग अलग अलग, अपने अपने प्रयोगों से उस ध्रुव की निकटता को प्राप्त करना। जो जिस रास्ते पर चले उसका स्वागत है, मोक्ष मार्ग एक ही है। इसलिए यहाँ आचार्य भगवान तारण तरण देव कह रहे हैं, जीवात्मा जागो, क्या जागो, कैसे जागो, कि देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो जल्दी देखो, देर मत करो, क्या देर मत करें, कि अंतर में सम्यक ज्ञान की अचल ज्योति प्रकाशवान हो रही। अरे तुम उसे श्री के नाम से नहीं जानते, श्री दीप्ति के नाम से नहीं जानते, तुम उसे ही दीप्ति के नाम से नहीं जान पा रहा है, तुम उसे घृति दीप्ति के नाम से नहीं जान पा रहा है, तुम उसे कीर्ति दीप्ति के नाम पर नहीं जान पा रहा है, अरे तुम उसे सम्यक ज्ञान की ज्योति के नाम से तो जानते हो कि नहीं जानते। हाँ गुरु महाराज, सम्यक ज्ञान की ज्योति के नाम से तो जानते, आपकी जो साधना थी स्वयं की अभूतपूर्व साधना थी, केवल उन नामों से तो हमें मिलान करने में थोड़ा सा संकोच हो जाता है, क्योंकि वो नाम तो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो अनाम तत्व क्या ज्ञान तो हमें दिखाई देता है। अच्छा वो ज्ञान गुण का प्रकाश सम्यक ज्ञान की ज्योति दिखाई देती है ना, केले वो सम्यक ज्ञान की जो ज्योति है उसी सम्यक ज्ञान की ज्योति की जो अनंत अनंत पर्याय, जो ज्ञान की अनंत अनंत पर्याय है कि नहीं, केवल उन्हीं अनंत अनंत विशुद्ध विशुद्ध पर्याय को इन देवियों से के नाम से कहा है, केवल तुम्हारे ज्ञान में जो प्रकाश है उस प्रकाश के ये नाम है, तुम उन नामों को उन प्रकाश की शक्ति को, तुम जो प्रकाश देख रहे हो ना तुम उसी प्रकाश को घृति दीप्ति का नाम दे दो, तुम्हारा ही है, लेकिन बस दशा वही होनी चाहिए, क्या कि अपने ममल स्वभाव से मिलन करने ना, तुम्हारे अंतर में जो प्रकाश है ना, जो अपने अपने सुकृत स्वकृत स्वभाव की ओर रमणता की ओर आगे बढ़ रहा है, कर्मों का जिनसे नाश हो रहा है, जिससे सम्यक ज्ञान में आचरण की क्रांति प्रकट हो रही है, आपके अंतर में जो ये परिणति है उसी का नाम कीर्ति है, ये त्रिकाली की कीर्ति है, ये ध्रुव स्वभाव की कीर्ति है, ये ध्रुव स्वभाव की घृति है, ये ध्रुव स्वभाव की ही है, ये ध्रुव स्वभाव की श्री है, इसे ऐसा कहें, ये अपना जो शाश्वत ध्रुव स्वभाव है ना, अनंत सिद्धि में जो स्वभाव है ना, उसकी श्री मतलब वो, ये जो श्री मतलब ये ज्ञायक की लक्ष्मी है, जो अपना हितकार स्वभाव है ना उसकी ही है, मतलब ये आत्मा का हितकारी अपना स्वभाव है, चौथी शंकर परमात्मा ने इसी को प्रकट किया है, कहले जो अपना ध्रुव ममल स्वभाव है ना ये उसी की घृति है, और कहने लगे जो स्वकृत अपना सम्यक चरित्र में आचरण है ना ये उसी की कीर्ति है, क्योंकि जगत में कीर्ति उन्हीं की होती है जो सम्यक चरित्र को अंगीकार करके कर्मों का नाश कर देते हैं, कहने ये उसी की कीर्ति है,
त्रकाली की कीर्ति है, त्रकाली की घृति है, त्रकाली की ही है, त्रकाली की श्री है। कहलो त्रकाली कौन? कहने लगे मैं। कहना बाहर क्या कर रहा है? चल चल चला चल ओ गायक चल चला चल। अरे अब तो अपने आनंद के, अपने ध्रुव आत्मा के सहकार में चल। अब तो इस संसार से, इन बाहर की चर्याओं से, इन बाहर की चर्चाओं से कुछ लेना देना है नहीं। अंतर आनंद में चल और ऐसा आनंद विभोर हो जा, ऐसा आनंद विभोर हो जा कि हम क्या कह रहे हैं और क्या सुना रहे हैं ये भी क्षयोत्सव का विषय ना होके आनंद का विषय हो जाए। इसलिए यहाँ अंतर में वो गहरी प्रीति हो शुद्धात्म देव से, लगन हो गहरी। और जब जीव के अंतर में ऐसी अंतर की लगन, अंतर आत्मा की लगन लगती है तब उसे ये सहज अंतर आत्मा का प्रकाश होता है। चलिए अपन पढ़ते हैं। संजय जी आप हो तो पढ़ा देना पेज, हमने यहाँ क्या लिखा था इन दीप्तियों के बारे में पढ़े। हे जिन अंतरात्मा अपने ध्रुव तत्व ममल स्वभाव से मिलन करने रूप घृति दीप्ति प्रकट हो गई है। अरे देखो देखो देखो, घृति नाम की यह देवी तीर्थंकर के गर्भ में आते ही माता की सेवा में उपस्थित हो जाती है। अरे देखो तो, देखो तो, लेकिन अंतर में गुरु महाराज ने क्या अतिशय किया ये देखो तो। अंतर में परम धैर्य को, क्योंकि अपना आत्मा देखो ये मोक्ष मार्ग धैर्य का मार्ग है, ये अधीरता का मार्ग नहीं है, ये धैर्य से चलता है, धीरज से चलता है, गंभीरता से चलता है, ये चंचलता और क्या बोलते हैं फुल फ्लाट से नहीं चलता। ये मार्ग बहुत गंभीर होके धैर्य के साथ धीरे से बढ़ता है। गुरु महाराज कह रहे हैं देखो तो, देखो तो, अंतर में अनंत धैर्य को प्रकट करने वाली, अनंत गंभीरता को उत्पन्न करने वाली अद्भुत कांति क्रांति में सब लोकालोक को प्रकाशित करने वाली, केवल ज्ञान की अनुभूति को, शक्ति को अनुभव में प्रकट करने वाली। कह लगे देखो तो, देखो तो, देखो तो, ये घृति कीर्ति, ये घृति दीप्ति प्रकट हो गई। अरे भाई देखो यही चारों तरफ पलट दी। यही चारों तरफ कीर्तिमान दीप्ति प्रकाश रूप फैल गई है। कीर्ति दीप्ति का उदय हो गया, कीर्ति नाम की दीप्ति प्रकट हो गई है। अरे देखो तो इससे ही क्या होगा, अब इस दीप्ति से क्या होगा देखो तो। गुरु महाराज क्या कह रहा है, अब इस दीप्ति होगा क्या, इससे ही स्वयं अपने आप ही सर्व कर गल जाएंगे। ये कीर्तिमान जो अनंत कीर्ति, अनंत स्वभाव की कीर्ति को लोकालोक में व्यक्त करने वाली, कहने लगे सर्वांग में आत्मा की कीर्ति को व्याप्त करने वाली, कहने लगे ये दीप्ति उत्पन्न हो गई, स्वकृत दीप्ति उत्पन्न हो गई है। इससे ही सारे के सारे कर्म अपने आप गल जाएंगे। माँ की सेवा में कीर्ति नाम की देवी प्रकट हो गई है, यही तो अपने ममल स्वभाव के अनुभव की क्रांति है, यही तो ध्रुव स्वभाव में आचरणीय क्रांति प्रकट हुई है। प्रकाशमान स्वरूप की रमणता रूप क्रांति रमण दीप्ति प्रकट हो गई है, चारों तरफ जय जयकार मची है। अरे भाई इस अंतर शक्ति का जागरण ही क्रांतिकारी और कल्याणकारी है। जैसे आगम की अपेक्षा देखें तो निषद कुलाचल पर्वत के ऊपर ये दिगिन सरोवर पर जो कमल है चार योजन का, चार योजन मतलब चार योजन इंटू कितने मील बताया था, 1000 मील। इसको आप ऐसा कैलकुलेट करोगे तो उसका आपको विस्तार मिल जाएगा। दिगिन सरोवर पर जो चार योजन विस्तार वाला कमल है, इस कमल पर घृति नाम की देवी निवास करती है और आगे नील कुलाचल पर्वत के ऊपर यह केसरी नाम का जो सरोवर है और इसकी सारी व्यवस्था भी तिगिंग सरोवर के समान है। इसके मध्य स्थित चार योजन का जो कमल है उस पे कीर्ति नाम की देवी निवास करती है। ये देवियां तीर्थंकर परमात्मा के गर्भकाल में माँ की सेवा में 15 माह तक अपना समय व्यतीत करके भगवान से गुप्त वार्ता करते हुए अपना 15 माह का समय निकालती है, इसलिए इनकी चर्चा यहाँ है। तो इन देवियों के, इन कुलाचलों के, इन सरोवरों के, इन कमलों के, इन भवनों के, इनके वैभव के यहाँ चिंतन करने से गुरु महाराज का अभिप्राय इतना है
कि तुम्हें आत्मदीप्तियां प्रकट हो। थरन तरन देव का अभिप्राय इतना है, इन देवियों से इन दीप्तियों से गुरु महाराज का इतना अभिप्राय है कि तुम इस संसार की विभूति में लुभाव नहीं जाना, संसार के विषयों भोगों की विभूति में उलझ मत जाना, तुम अज्ञान की विभूति में उलझ मत जाना, तुम इन दीप्तियों को इन देवियों को देख के अंतर आत्मा की ज्ञान ज्योति को पिटाना तो तुम्हारा हित होगा। और जीवात्मा जब धीरे 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 हम आत्म श्रद्धान करते करते ज्ञान की इस प्रखरता को प्राप्त करते हैं और चारित्र रमणता के शिखर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये सारी अनुभूतियां सहज हमारे अंतर में जागृत होती हैं। कसायों का अभाव धीरे धीरे पुरुषार्थ पूर्वक जीव के अंतर में होता है और वो तत्तर आत्म विकास करता हुआ, अंतर ज्ञान का विकास करता हुआ उस परम अनुभूति को, उस परम दशा को प्राप्त होके और संसार जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इसी अभिप्राय से गर्भ चौबीस ही फूलना स्वानुभूति के गर्व की 24 गाथाएं आचार्य श्रीमद जिन तारण तरण देव ने इस फूलना में दी है, जिसको जान के समझ के अनुभव करके आप और हम सभी कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। यही गुरुदेव का हम सभी जीवों के लिए मंगलमय उपदेश है। वही आचार्य प्रभव शत्रुवशन तारण तरण।